सरकार ने ही ये रेट तय किया ना, किसी आम आदमी तो नहीं की। रेट तय करने के बाद भी अस्पताल मनमाने ढंग से पैसा लगाता है, उसके बाद में जब अस्पताल के ऊपर महानगर पालिका की ऑडिट कमेटी जब ऑडिट करती है तो उसको नहीं मानता है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, आप जितना शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोगों को फायदा होगा। आज मेरे साथ में प्रत्यक्ष प्रमाण बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यूसुफ अली एक बार फिर हाजिर हूं। कोरोना काल में अस्पतालों की लूट के खुलासे की सीरीज 3 में। इसके पहले मैंने 2 बार वीडियो बनाए, आप देखे हैं आपने। एक वीडियो जो मैंने लाइव किया था उसमें किस तरह से ये लूट का खेल चला है वो मैंने दिखाया है। उसके बाद दूसरे वीडियो में विनय तिवारी, उनका बयान आपको दिखाया है। अब जब मैं इस मुहिम को छेड़ चुका हूं, तब हमारे सामने आज एक हस्ती हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं उनका परिचय दे दूं। हमारे साथ जो मौजूद है, इनका नाम मधुकर पंडित जी है, और कोरोना काल में बड़े ही दुर्भाग्य से कोरोना के चलते इनके बड़े भाई का देहांत हो गया। हम इनके बड़े भाई को श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन देहांत हुआ, इनके भाई जो जा चुके हैं आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कुछ खेल हुआ उस बीच में, और जो मेरा मुहिम चल रहा है उसके एक शिकार ये भी है। तो अभी इनसे सीधे बातचीत करते हैं और पूरा वाक्या समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मैं कुछ नए खुलासे भी आपको बताऊंगा। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मधुकर पंडित है और मेरा भाई एडमिट था विनायक हॉस्पिटल में 5 तारीख को। क्या नाम था आपके भाई का? रमाकांत पंडित। उनको 5 तारीख को मैंने एडमिट किया था विनायक हॉस्पिटल में, और 14 तारीख को उनकी डेथ हो गई। कौन सी? 5 जून 5 जुलाई को। तो आपको क्या तकलीफ, क्या दिक्कत उस समय में पेश आई? मुझे ये दिक्कत आई कि जो दवाई उनके पास नहीं थी उस दवाई के लिए मेरे को भागना पड़ा। मेरे को जैसे तैसे मैंने वो दवाई का बंदोबस्त कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा भाई एक्सपायर हुआ। और मेरे हिसाब से हॉस्पिटल में जो चार्ज लगाया है वो ज़्यादा लगाया है, और मेरे को कुछ रिफंड मिला नहीं उसमें। इन्होंने जो हॉस्पिटल की चार्ज की बात कही है, तो मैं बात बता दूँ आपको कि मैं खुलासे कर चुका हूँ किस तरह से हॉस्पिटल को कैसे चार्जेज लेने थे। इस बारे में महानगर पालिका की एक कमेटी गठित हो चुकी है और कमेटी ने अपना डिसीजन दिया है, ठीक है। ये सब चीज़ सब हॉस्पिटल को मालूम है। उसके बाद भी अस्पताल जो है वो किन लोगों को कितना रिफंड दिए या नहीं दिए, उसका सीधा उदाहरण ये मधुकर पंडित जी है। ये पहला उदाहरण मेरे पास आज आए हैं, मेरे सामने स्टूडियो में है, हम बातचीत कर रहे हैं। दरअसल जो मेरे इन्फॉर्मेशन निकली है, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर इनका 1 लाख रुपये से ज़्यादा रिफंड निकलता है महानगर पालिका की कमेटी जिसने डिसीजन दिया है उसके आधार पर। लेकिन अस्पताल ने इनको कितना दिया वो बात करते हैं। सर अभी ये बताइए कि जब आपको पैसा ज़्यादा महसूस हुआ बिल का, तो आपने क्या किया? जब मेरे को ऐसा लगा कि पैसा ज़्यादा लिया, तो मैंने महानगर पालिका को एक अर्जी डाली, तो वहाँ ही वो अर्जी आपके हाँ ये अर्जी डाली, और वहाँ से मेरे को जब हॉस्पिटल में गया तो मेरे को सिर्फ 10,000 रुपया दे दिया उन्होंने। कौन सा हॉस्पिटल था ये? ये विनायक हॉस्पिटल है। आपको 10,000 रुपया दिया तो क्या बोल के दिया? उसका कोई रसीद दिया या कुछ ऐसा कुछ? उन्होंने कोई रसीद दिया नहीं मेरे को, और मेरे से और उन्होंने लेटर लिख के दिया कि तुम अपनी मर्जी से 10,000 ले रहे हो, ये ऐसा लिख के दो, और मेरे को 10,000 रुपया दे के मेरे को वहां से निकाल दिया। अच्छा, आपको महानगर पालिका ने क्या बोला कि कितना आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? महानगर पालिका वाले ने कुछ बोला नहीं, बोले हम लोगों ने जो पेपर है वहाँ भेज दिए, आप वहाँ से जाके पैसा कलेक्ट कर लो। लेकिन कितना पैसा था वो मालूम नहीं। हॉस्पिटल वाला वो 10,000 भी देने को तैयार नहीं था, लेकिन 2-3 घंटा हमको रुका के फिर 10,000 रुपया दिया और हमसे लेटर लिखवा के ले लिया। तो दोस्तों आपको मैं एक बार फिर बता दूँ, इनके हाथ में जो ये डॉक्यूमेंट है ये RTI के द्वारा निकाला हुआ डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर जहां आपको ये पेज देखने को, ये पेज है जहां पर महानगर पालिका ने मेंशन किया हुआ है कमेटी ने कि इनको 1,01,345 रुपया रिफंड मिलना चाहिए था,
जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से एक प्रभाग से मुझे जो माहिती अधिकार के तहत जो सूचनाएं मिली थी उसमें 5 करोड़ का बिजनेस हुआ था और 52 लाख का रिफंड था। अभी मेरे को वो सूचना में दूसरे प्रभाग की सूचना भी मिली है, उसी दूसरे प्रभाग अंतर्गत ये अस्पताल है और इस प्रभाग में भी ऐसा मेरे नज़र में आया है कि लाखों रुपया रिफंड होने के बावजूद रिफंड दिया नहीं गया है। ये हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है, जहां इनको 1,01,000 रुपये मिलना चाहिए था वहीं इनको सिर्फ 10,000 रुपया अस्पतालों ने दिया है, वो भी ये लिखा कर कि हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं। यानी कितना दबाव तंत्र आप ये समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, यह दस्तावेज है, एक अस्पताल ने महानगर पालिका को लिस्ट दिया है, ये वही अस्पताल है जहां इनके भाई एडमिट थे, उसने महानगर पालिका को लिस्ट दिया है कि किन किन लोगों को उसने रिफंड किया है। अगर इसमें ढूंढने जाएंगे तो इनका नाम नहीं है। मैंने खुद 2 बार इस चीज का बराबर से देखा है और इन्होंने खुद भी इस चीज को देखा है। पंडित जी, आप में आपको इस लिस्ट में अपना नाम कहीं पे दिखाई दिया क्या? नहीं, मैंने तो सब देखा है लेकिन मेरे भाई के इस लिस्ट में नाम नहीं है। और ये लिस्ट वही हॉस्पिटल का है जहां मेरा भाई एडमिट था, लेकिन मेरे भाई का इसमें नाम ही नहीं है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि महानगर पालिका के सामने इन अस्पतालों द्वारा तथ्य छुपाए जा रहे हैं। अब मेरा सवाल वही, कमेटी बनाने का क्या फायदा जब आम आदमी, परेशान आदमी को पैसा रिफंड नहीं मिलता हो। मैंने ऐसा नहीं है कि महानगर पालिका में इस बारे में महानगर पालिका अवगत नहीं कराया हो, मैंने महानगर पालिका से भी चर्चा की है लेकिन उन्होंने सिर्फ अभी तक आश्वासन दिया है, कोई इस पर आदेश नहीं निकाला है। और हमारे महानगर पालिका आयुक्त माननीय श्री गंगाधरन जी डी, वो तो बात करने को सुनने को ही तैयार नहीं है, न जाने वो कौन सी कहां से आए नहीं मालूम, पब्लिक का उनको कुछ नहीं, जो सर्वे बोलते नहीं, डिपार्टमेंटल हेड के पास जाओ, उनके पास ये विषय लेके मैं गया था, मुझे मिलने का समय नहीं दिया गया, इतना गंभीर विषय है। अभी इस पर मेरा फॉलो अप चालू है लेकिन इसके बावजूद मैं उनसे मिलने गया था कि उनको मिलके ये बात बताऊं ताकि उनके संज्ञान में ये बात आए तो एक आदेश निकाल के इन अस्पतालों को पाबंद करें कि जितना रिफंड होना चाहिए था सबका रिफंड करें और जिनकी इन्फॉर्मेशन छिपाई गई है उनकी इन्फॉर्मेशन को वापस दिया जाए। ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं इन अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए? जो सरकार की बात नहीं मानते, सरकार ने ही ये रेट तय किया ना, किसी आम आदमी तो नहीं की। रेट तय करने के बाद भी अस्पताल मनमाने ढंग से पैसा लगाता है, उसके बाद में जब अस्पताल के ऊपर महानगर पालिका की ऑडिट कमेटी जब ऑडिट करती है तो उसको नहीं मानता है। मेरी महानगर पालिका आयुक्त से और महानगर पालिका के पूरे प्रशासन से विनती है, इसको संज्ञान में लीजिए, यह मुहिम बहुत बड़ा होने वाला है, हम इससे पीछे नहीं हटने वाले। जब तक एक एक बेनिफिशियरी को पैसा नहीं पहुंचता है हम पीछे नहीं हटेंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, आपका भी कोई रिश्तेदार अगर इस तरह से इन अस्पतालों की लूट का शिकार हुआ है तो हमसे जरूर संपर्क करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस तरह से उनका हक का पैसा उनको मिले। इसके लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, आप जितना शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोगों को फायदा होगा। आज मेरे साथ में प्रत्यक्ष प्रमाण बैठे हैं, इनके अलावा भी कुछ लोग और मेरे कॉन्टेक्ट में हैं लेकिन फिलहाल वह कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती है, जो मैंने पहले ही बोला है कि दबाव तंत्र। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। पंडित जी हमारे साथ स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।